नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजा। आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में पाठ नंबर 2 की चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्ती, जैन, पारसी, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। और उसमें मानो कि हम हिंदू है तो हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वो हमारा पूजा करने के लिए जो जाते हैं वो हमारा धर्म स्थान है, धर्म स्थल है, तो उनको मंदिर बोलते हैं, देवालय बोलते हैं। और जैसे मुस्लिम समाज में, इस्लाम धर्म में जो लोग अपने भगवान, अपने खुदा, अपने परवरदिगार को पूजने के लिए जाते हैं, वो उनका धर्म स्थल है, जिसको वो जो मंदिर में, जो मस्जिद में जाते हैं उसे मस्जिद बोलते हैं। तो उन लोगों का जैसे हमारे हिंदू धर्म में पवित्र महीना सावन का महीना होता है और सावन महीने में सब पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, वैसे उनका भी एक महीना होता है जब ईद का, रोजे का महीना होता है, तो जो रोजे करते हैं और रोजे करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वो जगह जिसे हम ईदगाह कहते हैं, नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह। तो वो ईदगाह के विषय पर एक हमारा पाठ है, पाठ नंबर 2, जिसका नाम है ईदगाह। तो आज हम ईदगाह पाठ के विषय में चर्चा करने वाले हैं, उसमें क्या बताया गया है, तो हम वो पाठ के बारे में थोड़ा अभ्यास करें। तो एक हमीद नाम का लड़का होता है और वो अपनी दादी अमीना के लिए चिंता बाजार में से लेके आता है, बहुत गंभीर परिस्थिति में होता है हमीद। हमीद जब छोटा होता है तो उसके माँ बाप दोनों मर जाते हैं, तो उसकी रखवाली उसकी दादी जो एकदम बुजुर्ग है वैसी अमीना, वो अमीना करती है। तो उसकी दादी के लिए जब वो ईदगाह जाते हैं सब बच्चे खिलौने खरीदते हैं, कोई नाश्ता करता है, कोई अच्छी अच्छी चीजें खाता है, लेकिन हमीद के पास बहुत थोड़े पैसे हैं और वो थोड़े पैसों में से ही अपनी दादी के लिए चिंता लेके आता है। वो बात को बहुत अच्छी तरह से यहाँ प्रकट किया गया है, एक गरीब लड़का अपनी माँ के लिए, अपनी दादी के लिए कैसी भावना रखता है, वो अपनी खुद की सोचता नहीं है, अपने लिए कुछ लाता नहीं है, लेकिन दादी के लिए ये चिंता लाता है, और इस बात को भावपूर्ण रूप से यहाँ प्रकट किया गया है। तो उस पाठ को हम यहाँ पठन करने वाले हैं, उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो पाठ नंबर 2 ईदगाह, उसके लेखक भारत के महान लेखक में से एक प्रेमचंद्र जी ने इस पाठ को लिखा है। पाठ को प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, तो हम उसका अभ्यास करेंगे। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान के 30 दिन होते हैं, एक महीना पूरा रमजान का रोजा किया जाता है, तो रमजान के 30 दिनों के बाद जो सबका आखिरी दिन होता है वो ईद होता है, और सभी मुसलमान लोग ईद के दिन को बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ईदगाह जाते हैं, वो अपने जो मन वो होता है उनका धर्मस्थल वहां पर जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद फिरने जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपने दोस्तों को मिलने जाते हैं, अपने संबंधियों को मिलने जाते हैं और फिर आनंद करते हैं। तो उस रोजों की बात बताया गया है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात एक अपरिचित शब्द है,
प्रभात यानी शुभ समय। कितना मनोहर सुबह प्रभात है, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, किसी के कुत्ते में बटन नहीं है, पड़ोस में घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है कि किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। तो ये ईदगाह का दिन है, सभी लोग को नमाज पढ़ने के लिए जाना है, सभी को आनंद करने के लिए जाना है, सभी को एक दूसरे को मिलने के लिए जाना है। तो वो बोलते हैं कि प्रभात का समय है, कितना शीतल ये प्रभात है, शीतल यानी ठंडा। कितना शीतल प्रभात है, सब एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो गए हैं। कोई अपने शर्ट में बटन नहीं है तो बटन टकवा रहा है, कोई अपना बूट जो ऐसे बड़ा बड़ा बूट बिगड़ गया है तो उसको अच्छा करने के लिए दौड़ा भागा जा रहा है, उनमें तेल डालने के लिए तेली के बाद भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बेलों को सादी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ईदगाह से लौटते लौटते तो शब्द समूह के लिए एक शब्द ईदगाह, ईदगाह किसे बोलते हैं तो उसका फुल फॉर्म होगा नमाज पढ़ने की जगह। ईदगाह नमाज पढ़ने की जगह है, जहां सब लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बोलते हैं कि हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने बेलों को भी पानी पपा दिया उन्होंने कि भाई लेट हो जाएंगे, कहीं देर हो जाएगी, तो वो लोग फटाफट अपना काम करते हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। दोपहर से पहले हम आ सकते नहीं है, विलोम शब्द असंभव, असंभव का विलोम क्या होगा, संभव। संभव का असंभव होगा कि दोपहर तक हम पहले पहुंच सकेंगे नहीं, इसीलिए हमें फटाफट आना है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, प्रसन्न प्रसन्न यानी खुश। जब ईदगाह त्योहार होता है, मानो हमारा कोई भी त्योहार होता है, दिवाली होती है, होली होती है, कोई भी त्योहार होता है, तो सबसे ज्यादा बच्चे खुश होते हैं। तो बच्चे सबसे ज्यादा है, खुश है, वो एकदम प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है वहां भी दोपहर तक, किसी ने भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी हिस्से की चीज है। किसी ने रोजा रखा है, किसी ने आधा रोजा किया, किसी ने एक रोजा किया, किसी ने 2 रोजा किया, किसी ने बिल्कुल रोजा नहीं किया, लेकिन नमाज पढ़ने के जाने की वो इच्छा और ईदगाह जाने की इच्छा, ईद को मनाने की इच्छा बहुत ज्यादा है। बड़े रोजे बड़े बुढ़ों के लिए होते, इनके लिए तो ईद है, रोज ईद का नाम रखते हैं, कब ईद आएगी, कब ईद आएगी। आज बहुत खुशी आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है, कुबेर यानी बहुत धन दौलत उनकी जेबों में, 1 रुपया 2 रुपया 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, लेकिन उनके लिए कुबेर है, बहुत सारा धन कुबेर। उनके लिए 2 पैसा 3 पैसा बहुत सारा धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उनके पास 15 पैसे। सभी बच्चे अपने जो जेब में पैसे रखते हैं, फिर उसको गिनते हैं, फिर उसको रखते हैं, आनंद करते हैं,
मेरे पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं। वैसे महमूद नाम का एक लड़का है, वो अपने किस्से में से पैसा गिनता है, एक दो तीन और ऐसे करते करते वो गिनता है कि मेरे पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 1 2 8 9 15, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लगेंगी। तो मोहसिन, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, महमूद के पास 12 पैसे हैं, और वो मानते हैं कि उससे बहुत सारी चीजें लाएंगे, अनगिनत चीजें हम लाएंगे, खिलौना, मिठाइयां, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा पसंद है हामिद, हामिद सबसे ज्यादा पसंद है। हामिद एक गरीब लड़का है और वो तो भी प्रसन्न है, प्रसन्न यानी खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि ईद के त्योहार है। हामिद की जो सूरत होती है वो कैसी होती है? हामिद की सूरत दुबला पतला लड़का, एकदम दुबला है, पतला है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। जो हामिद था उसका बाप यानी उसके पिताजी गत साल हैजे के भेंट हो गए, तो उनको एक रोग हुआ था जिसको बोलते हैं हैजा। हामिद के पिता को हैजा नाम की बीमारी हो गई थी और उस बीमारी में हामिद के पिता मर गए। फिर एक दिन मां भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। तो हामिद के पापा हैजे की भेंट हो गए, उसके बाद उसकी मम्मी भी मर गई यानी उसकी मां भी मर गई। तो अब हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और अमीना उसका पूरा पालन करती है, उसकी गोदी में खुश है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना को ऐसा मन में हाइस होता है कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मेरे जो मेरा बेटा था वो भी मर गया, उसकी पत्नी भी मर गई और उसका एक बेटा मेरे साथ है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं उसको देने के लिए। हामिद के पैरों में जो बोलते हैं तो चप्पल भी नहीं है, उसके माथे में टोपी है लेकिन बहुत पुरानी है और उसका टोपी भी काली पड़ गई है। तो फिर भी प्रसन्न है और जो अमीना बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं है, इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। आज ईद का दिन है लेकिन अमीना के घर में एक दाना भी नहीं, और उस अंधकार में वो डूबी डूबी मायूस हो रही है, मन में एकदम संकोच अनुभव कर रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? हामिद की जो अम्मी होती है दादी अमीना, वो बोलती है कि किसने इस निगोड़ी ईद को बुलाया है, मेरे पास कुछ नहीं है और ईद आ गई है। अमीना का दिन कचोट रहा है, गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कोई नहीं है। हामिद की बात करें तो पूरे गांव के बच्चे अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ सब ईदगाह जा रहे थे, लेकिन हामिद के पास अपने पापा अपनी मम्मी कोई नहीं, उसके पास पापा मानो या मम्मी मानो सब ये अमीना ही थी। उसे अकेले में जाने दे, उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चला जाएगा, 3 कोस यानी 6 किलोमीटर जितना होता है, कैसे चला जाएगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे तो क्या होगा? जूते भी तो नहीं है,
कुल दो आधे पैसे बच रहे हैं, हमीद पैसे तीन पैसे हामिद की जेब में, पांच अमीना के बटुए में, यही तो मिसाल है और इनका त्योहार अल्लाह की बेड़ा पार है। तो अमीना मन में ही एकदम संकोच अनुभव कर रही है कि हामिद को ईदगाह के लिए जाना है, उसको भेजना है, लेकिन तीन कोस दूर है, वहां जाते जाते उसको कुछ हो गया, तो जाते जाते उसके पैरों में छाले पड़ गए, तो उसके पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं है, तो कुछ हो गया तो, और हामिद के पास तीन पैसे है और अमीना के पास पांच पैसे है, उसके पास इतना ही धन वैभव सब कुछ मानो इतना उसके पास है, तो उसका क्या करेगा? तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। तो शब्द मुहावरा है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए तो किनारे ले जाना, बेड़ा पार लगा। शब्द समूह के लिए शब्द, तो अमीना अल्लाह को विनती करते हैं कि हे अल्लाह आपने हमारा बेड़ा पार लगाना। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं मां, मैं सबसे पहले जाऊंगा। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, कभी दौड़ पर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, यह कभी थक सकता। तो हामिद अपनी दादी अमीना को बोलता है कि आपको डरना नहीं है, आपको कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सबके साथ जाऊंगा और सबके साथ आऊंगा, मेरी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सब जाते हैं, उनके साथ हामिद भी जाता है और सबके साथ सबसे आगे दौड़ता रहता है, और जब वो आगे दौड़ता है तो किसी छाव में जाकर थाक खाता है, फिर सबके साथ जाता है। ओ कभी भी बहुत थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, जब शहर आने लगा तो शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती है, तो हामिद ने देखा तो बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, जहां बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां मिलती है वहां हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब वहां पर मिठाई सजाई गई है, इतनी मिठाइयां कौन खाता है? उसका जो मन होता है वो बाल मन होता है, उसको पता नहीं है कि सब लोग आकर उसको ले जाते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इतनी मिठाइयां कौन खाता है। देखो ना देखो एक एक दुकान पर मनो होगी, सहसा ईदगाह नजर आई, ईदगाह ईदगाह यानी नमाज पढ़ने की जगह देखने को मिली, सहसा अचानक इकाई उसने देखा तो एक ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजी बिछी हुई है, रोजेदारों की पंक्तियां में एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इन ग्रामीणों की भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुके जाते हैं, फिर एक साथ खड़े होते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरो। जब हामिद जिस जगह के लिए जाता है ईदगाह, तो ईदगाह वहां नजर आती है, ईदगाह पर जाते हैं, एक शांत वातावरण होता है, एक शांति की जगह होती है, वहां सब एक सब सभी लोग, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी एक पंक्ति में बैठ जाते हैं और सभी बैठकर भगवान अल्लाह खुदा परवरदिगार को आराधना करते हैं, और सभी के मस्तक ऐसे नीचे नमते हैं, फिर एक साथ नीचे उठते हैं, वो देखकर हामिद बहुत खुश हो जाता है और उसमें भातृत्व की भावना आती है, भातृत्व यानी भाईचारा।
भातृत्व यानी सब एक होते हैं, जहां पर सब एक मानते हैं, सबको सब अपने अपने को भाई मानते हैं, सब एक है वहां पर, तो वहां पर भातृत्व की भावना दिखाई देती है। और सब आत्मा एक कड़ी में जैसे होते हैं, वहां कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, वैसी जगह होती है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। जब मुसलमान लोग अपना रोजा होता है, ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे को ऐसे गले मिलते हैं, दो बार ऐसे गले मिलते हैं, नमाज को करने के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबादी देते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं। अब मिठाइयां और खिलौना की दुकानों पर गावा होता है, और जब नमाज छूटती है, लोग छूटते हैं, तो मिठाइयों की दुकान, जो खिलौने की दुकान, अलग अलग चीज वस्तुओं की दुकान पर लोग टूट पड़ते हैं और फिरते हैं, घूमते हैं और मजा करते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ना है। फिर मेले में एक मेला भी उधर लगता है, सब मेले में फिरते हैं, अपने को जो खाना है वो खाते हैं, हिंडोले में बैठते हैं, कोई रंग बिरंगी जो चपेटी होती है उसमें बैठते हैं और आनंद करते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए। बच्चे जब वो बैठते हैं, वो चरखी में बैठते हैं और आकाश में जाते हैं और नीचे आते हैं, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं चकड़ो, ऐसे मजा करते हैं। फिर जो खिलौने की दुकान होती है, वहां लकड़ा का हाथी होता है, लकड़ा का घोड़ा होता है, ऊंट होता है, सब ऐसे टिंगारे में लटकाए हुए होते हैं। हामिद दूर खड़ा है, तीन पैसे तो उसके पास है। अब एक बात करें, हामिद को ये सब चीजें लेनी है, लेकिन उसके पास केवल 3 रुपये है, और 3 रुपयों में से उसको खाना पीना कुछ भी लेना, उस 3 पैसों में उसको लेना है। अपने कोष का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। उसको एक चक्कर खाना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब है, तो वो अपने मन में संकोचन अनुभवता है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा वकील बिस्ती धोबी, वाह लगता है और बोलना ही चाहते। और जो खिलौने की दुकान में कोई राजा का खिलौना होता है, वकील का होता है, बिस्ती का होता है, और ऐसा खिलौना बनाया है कि आबे हु वो खिलौना है। महमूद सिपाही लेता है, जो महमूद होता है वो सिपाही लेता है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, तो महमूद है वो सिपाही लेता है। महमूद सिपाही लेता है और बिस्ती पसंद आया। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। और महमूद को सिपाही लिया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ने की चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम था, जो एक नूरा नाम का लड़का था उसको वकील से प्रेम था, तो उसने वकील लिया। काला चौगा नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने जेब की घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है, अभी किसी अदालत में जिरह या बहस किए चले आ रहे है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे लेंगे, खिलौना कहीं हाथ से चूर पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा टूट जाए, ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करें। ये लड़के मोहसिन महमूद ये दूरा ये सब है, वो अलग अलग खिलौना लेते हैं, लेकिन हामिद को खिलौना लेना है,
लेकिन उसके पास तीन ही पैसे हैं। जेब में हाथ डालता है तो पता चलता है कि मेरे पास तीन पैसे हैं, तीन पैसों का मैं क्या करूं। और फिर अपने मन में ही मन में ऐसा वातावरण खड़ा कर देता है कि नहीं, ये खिलौना लूंगा, ये खिलौना पानी उस पर आएगा तो भीग जाएगा, बिखर जाएगा, उसके जो गिर गया तो टूट जाएगा, तो वैसा खिलौना लेकर हम क्या करेंगे, पैसों की बर्बादी होगी। और ऐसा मान के वो कुछ भी खिलौना लेता नहीं है। खिलौनों के बाद मिठाई आती है, किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से सब खा रहे हैं। हामिद बराबरी से पृथक है, अभागे के पास तीन पैसे, जो खिलौने के साथ हो जाते हैं तो उसके पास हलवाई की दुकान आती है, किसी भी जगह पर सोन पापड़ी मिलती है, किसी जगह पर मिठाई है, किसी भी जगह पर गुलाब जामुन है, उसको लेने हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, कमबख्त है वो, क्या करेगा बेचारा। अभागा जिसका कोई भाग्य नहीं है, अभागा है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, और उसकी आंखों से सबकी ओर ललचाई हुई आंखों से वो देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, जब मिठाइयों की दुकान निकल जाती है तो एक लोहे की दुकान आती है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कुछ आकर्षण नहीं है, और लड़के जो होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनको खिलौना फिर ऐसे मिठाइयों की दुकानें वैसे नहीं उनका ध्यान होता है, उनको वैसे नहीं मजा है, उनको ऐसे लोहे की सोने की ऐसी गहनों की दुकान में कोई मोह नहीं है, क्योंकि उस चीज को उनको कोई जरूरत भी नहीं होती। हामिद लोहे की दुकान पर रुक सकते हैं, और हामिद का मन एकदम अलग है, वो लोहे की दुकान जहां आती है वहां पर जाके रुक जाता है। कहीं कई लोग चिमटे एक लाइन में चिमटे रखे हुए हैं, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रुपया उठा दिए तो हाथ जलते हैं, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो किसनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से ज्यादा फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देरी हुई भी खुशी होती है, जरा देर भी तो खुशी होती है, फिर तो खिलौना की और कोई हाथ उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे या सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल के उसे दे दो। अम्मा बिचारी कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे कहाँ से मिलते हैं, रोज बात जलते हैं। हामिद जब वो लोहे की दुकान में जाता है तो उसको देखता है कि चिमटा पड़ा हुआ है, चिमटे अलग अलग चिमटे होते हैं, और चिमटे को देखता है और हामिद को पता चलता है कि ये चिमटा मेरे घर में बहुत जरूरी की चीज है। जब मेरी दादी, उसको अपना ख्याल नहीं आता लेकिन अपनी दादी को ख्याल आता है, दादी का ख्याल आता है कि जब दादी रोटियां बनाती है तो रोटियां गरम गरम उतारती है तो उसके हाथ जलते हैं, उसकी उंगलियां जलती है, और ये चिमटा मैं घर ले जाऊंगा तो बहुत काम आएगा, खिलौने टूट जाएंगे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं चिमटा ले जाऊंगा तो मेरे घर की जरूरत में भी चिमटा काम आएगा, और दादी के हाथ में छाले भी नहीं पड़ेंगे, हाथ जलेगी भी नहीं, और दादी भी ये हमें ले जाऊंगा तो दादी भी खुश हो जाएगी, उसके मन में ऐसा भाव प्रकट होता है। और चिमटा लेकर जब कोई ऐसा कोयला होता है जला हुआ, उसको यहाँ पर रखना है तो भी चिमटा काम आएगा, यहाँ से लेकर वहां ले जाने के लिए भी काम आएगा, रोटी उतारने के लिए काम आएगा, तो उसको पता चला कि ये चिमटा मेरे लिए बहुत जरूरी है, और दादी के पास इतने पैसे भी नहीं है, वो कैसे पैसे लाएगी, और बाजार में कैसे आ सकती है, वो तो चल भी सकती नहीं है, बहुत बूढ़ी है, तो उसको मन में ख्याल आता है कि मैं चिमटा ले जाऊंगा तो दादी को बहुत जरूरी है, और दादी भी उसको इसको देखकर बहुत खुश हो जाएगी, और वो चिमटे के बारे में सोचता है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सभी पर सब शरबत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाई ली किसी ने एक भी न दी, उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, अब किसी ने कोई मिठाई
काम करने को तो कहा लेकिन मिठाई खाने के लिए तो कोई पूछेगा, खाई मिठाइया आपका मुंह सड़ेगा, फांडे खुशियां निकलेगी, आपकी जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिंता देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिंता लाया, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआई देगा। बड़ों की दुआई सीधे अल्लाह के घर दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी भी जाती है। मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने को नहीं जाता। तो हामिद की बात करें तो हामिद वो चिमटे के दुकान के पास जाता है और दुकान के वालों को एक दुकान में चिमटा देखता है और फिर वहां से वो अपने जो भाई बहन होते हैं, सब मित्र होते हैं, वो देखता है कोई शरबत पीता है, कोई मिठाई खाता है, सब उसको काम करने के लिए बोलते हैं कि हामिद ये काम कर, हामिद ये काम कर, मेरे साथ चल, मेरा ये काम कर, लेकिन शरबत पीने के लिए कोई बोलता नहीं है, मिठाई खाने के लिए कोई बोलता नहीं है, तो सबके ऊपर उसको बहुत दुख होता है। फिर मन में विचार करता है कि मैं ये चिंता लेके घर जाऊंगी तो दादी बहुत खुश हो जाएगी और उसकी दुआ मुझे मिलेगी और बूढ़े की दुआ मिलती है तो वो दुआ भगवान के घर जाती है, खुदा के घर जाती है और तुरंत कबूल हो जाती है। ऐसे भाव से वो चिंता लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि चिंता कितने रुपये का है, कितने पैसे का है, चिमटा लेने के लिए उसके पास कितने पैसे हैं, वो दुकान वाला उसको चिमटा देगा, अपने पैसों में सब सेटलमेंट होगा या नहीं, और जो हो जाएगा तो हामिद की दादी के लिए और हामिद के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आज ईदगाह पाठ में हामिद नमाज की ईदगाह के जगह पर नमाज पढ़ने के समय से लेकर चिमटा खरीदने की दुकान पर जाता है वहां तक हमने आज ये पाठ का पठन किया है। हम दूसरे पाठ में हामिद चिमटा लेगा न लेगा, कितने में चिमटा लेगा और दादी को कैसे काम आ जाएगा, दादी उसको क्या करेगी, उसकी दुआ भगवान कबूल करेंगे या नहीं, वो भाग हम दूसरे पाठ में चर्चा करेंगे, दूसरे पाठ में उसका पठन करेंगे। और ईदगाह आज मैंने आपको इतना बताया वो आपको सबको पता चला होगा, मुझे पता है कि इसका हम पठन करेंगे और दूसरे पाठ में हम अगले पाठ अगले विभाग में ये पाठ की चर्चा करेंगे। जय राधा।